आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है और एक आप सभी का एक बार वार्म वेलकम करते हैं एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ के साथ। देखिए यहाँ पर यूपी जल निगम से एक बहुत अच्छी नोटिस आई है, बहुत ही अच्छी नोटिस आई है कि वैकेंसीज की डिटेल को भेज दिया गया है। यूपी जल निगम से कितनी वैकेंसीज आ रही हैं जेईई और क्लर्क के लिए 2022 में। तो देखिए जो वैकेंसीज है, वैकेंसीज को आप देखेंगे कितनी वैकेंसीज हैं। अगर पोस्ट की बात की जाए तो टोटल जो पोस्ट के लिए वैकेंसी है वो आपकी 840 प्लस हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 840 पोस्ट हैं और ये टोटल वैकेंसी UP SSSC के थ्रू निकाली जाएगी, UP SSSC के थ्रू। तो क्या इसमें आपका पेट वगैरह अलाउ होगा, क्या कैसे होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये थोड़ा सा इसका नोटिफिकेशन जानने की कोशिश करते हैं। पोस्ट नेम आप देखिए, जूनियर इंजीनियर अगर सिविल की बात करें तो आपका 363 यहाँ पर पोस्ट है जनरल का और टोटल 727 पोस्ट है सबका मिला करके। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो 126 पोस्ट है, यानी टोटल दोनों का कंबाइंड, यानी कि जेई आपके सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों वाले। पोस्ट की अगर बात की जाए तो जेई का आपका टोटल है आपका 642 पोस्ट, 98 आपका एई है और आपका 100 आपका क्या है, क्लर्क है, यानी टोटल आपकी 840 पोस्ट है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं टोटल 840 पोस्ट के लिए ये UP SSSC यूपी जल निगम में वैकेंसीज को बहुत जल्द रिलीज करने वाला है। चलिए, अवसर जल निगम में एई और जेई समेत 840 पदों पर शुरू होगी भर्ती। तो 840 पदों पर यहाँ पर भर्ती शुरू होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा फुल नोटिस है, यहाँ पर पूरा फुल नोटिस है किसकी कितनी सीटें खाली हैं और लास्ट में ये देखिए लिखा है कि जो आपका प्रस्ताव है शासन को भेज दिया गया है, आयोग संघ लोक जो आपका लोक सेवा आयोग से भर्ती के लिए जो प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिया गया है, यानी अब आपकी भर्ती बहुत जल्द आपके सामने देखने को मिल सकती है UP SSSC की तरफ से। तो जेईई और क्लर्क की यहाँ पर भर्ती आने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जेई के लिए आपका इंजीनियरिंग, एई के लिए असिस्टेंट इंजीनियर आप कह सकते हैं एजुकेशन पोस्ट, क्लर्क के लिए एनी डिग्री आपकी चलेगी, ठीक है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आपके जेई के लिए यहाँ पर एलिजिबल होगा। जेई की उम्र की अगर बात की जाए तो 18 से 35 साल यहाँ पर उम्र रहने वाली है, एई की 18 से 37 साल और क्लर्क के लिए 18 से 35 साल की उम्र यहाँ पर मांगा जा चुका है या मांगा गया है। अच्छा, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपका रिटर्न एग्जाम होगा आपका और रिटर्न एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, दो राउंड में आपका क्या होगा फाइनल सिलेक्शन, यानी इंटरव्यू भी आपका यहाँ पर मैंडेटरी है और कंपलसरी है, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ उत्तर प्रदेश वाटर डिपार्टमेंट UP SSSC यूपी जल निगम जेईई क्लर्क 2022 इंक्लूड्स कम्पिटेटिव रिटर्न एग्जाम होगा, सम अदर पोस्ट इन UP PSC.UP.NIC.in ऑल्सो कंटेंट्स इंटरव्यू फिजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर डिटेल सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न जल निगम ये अवेलेबल एट सिलेबस सेक्शन। सिलेबस सेक्शन में आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपका सिलेबस मिल जाएगा। देखिए सैलरी की अगर बात की जाए तो जेई की जो सैलरी है वो आपका कितना है भैया, 37,000 है आपको मिलेगा, एई के लिए 49,000 है और क्लर्क को मिलेगा भैया आपका 21,790 रुपये मिलेगा यहाँ पर। तो ये आपकी सैलरी है, सैलरी सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, जॉब स्टेबिलिटी एंड सैलरी दो चीज़ें हैं जिसके लिए गवर्नमेंट जॉब क्या है मानी जाती है। तो ये आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 2022, यानी आपका कुछ ही समय के बाद अब आपका आ जाएगा, मतलब कि नोटिफिकेशन ऐसा माना जा रहा है, ऐसा अनुमान है। तो ये है UP SSSC की तरफ से, टोटल 840 प्लस पोस्ट हैं इसमें, तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज है आप सभी JEE के लिए जो JEE की तैयारी करते हैं। हाँ, पेट की जो इशू है तो पेट आपका मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा, तो अभी यहाँ तक अभी कोई इनकी तरफ से नोटिस नहीं दिया गया है, तो देखते हैं पेट के बारे में क्या कहा गया है, प्रीमिलिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आगे वो नोटिस जब इसका टोटल कन्फर्मेशन आपका ये आएगा जब नोटिफिकेशन, तो उसमें इसको देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है, तो आप लोग चिंता ना करिए, डोंट वरी अबाउट डैट, कीप स्टडी कीप प्रैक्टिस एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी लोगों को। एडवांस में कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप तक तुरंत पहुंचाई जाएगी। अभी के लिए अभी इतना ही, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।